नमस्कार, मंतव्य न्यूज ની વિશેષ રજૂઆત સાથે હું છું આપની સાથે કોમલ શાહ। હવે આજે વાત કરવાની છે 10 વર્ષની બાળકી વિશે, અને 10 વર્ષની જ્યારે બાળકીનું નામ આવે ત્યારે તમારા મનમાં શું થતું હશે કે 10 વર્ષની બાળકી શું કરી શકે। એ તો પછી કહેવાને કે તના ફ્રેન્ડ્સ હોય, તેની સાથે બહાર જઈને રમતી હોય, અથવા તો આઈસ્ક્રીમ ખાવા માટે જીદ કરતી હોય, મમ્મી પપ્પા પાસે બહાર ફરવા જવા માટે જીદ કરતી હોય, વિડીયો ગેમ્સ રમવાની જીદ કરતી હોય, મોબાઈલમાં વિડીયો ગેમ્સ રમતા હોય, ભણવાનું હોય, આ બધી એક્ટિવિટીઝ તમારા દિમાગમાં આવતી હોય છે। પરંતુ આજે હું એવી 10 વર્ષની દીકરી વિશે વાત કરવાની છું जना आंगळी ना तेरवे एवी सुरावलीओ वहे छे, अने तेना हाथ में एटली कला रहेली छे। आजे तेना विशे वात करवानी छे, त्यारे आजे लिटल पियानो मास्टर विशे वात करीशु। तो जे प्रमाणे मैं तमने अगाउ वात करी के लिटल पियानो मास्टर नी जारे वात आवी रही छे, त्यारे हवे तमने सवाल थतो हशे के आ वळी कोण छे। कारण के हवे हुं तमने अवगत करावीश के 10 वर्षनी दीकरी जे बेन्झीर शाह छे तेनी हुं वात करवा जई रही छुं, अने तेनी हाथों में एटली कला रहेली छे। सौथी पहला तो हुं एना विशे वात करूं अथवा तो तमने एनाथी अवगत कराऊं। सौथी पहला तो आपणे तेनी हाथों में केटली कला रहेली छे ते सांभळीए। बेन्झीर, थैंक यू।
बेंजीर हमें मतलब आपको बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है कि आप ये बजाना बंद करें, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इतना आप अच्छा बजाती हो और 10 साल की उम्र में आपने ये शुरू कर दिया है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की थी? ये जब मैं सीनियर केजी में था तब से शुरुआत की थी मैंने। जी, और आपका प्रैक्टिस टाइमिंग क्या रहता है? प्रैक्टिस वैसे जब मैं सीनियर केजी में था तो आधे घंटे की थी, फर्स्ट में आया तो 1 घंटे की थी, सेकंड में आ गया तो 2 घंटे की थी, ऐसे ही अभी मैं सिक्स्थ में आया हूँ तो अभी 6 आवर्स की हो गई है। जी, और बेंजीर आपके इंस्पिरेशन क्या रही है, आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है? इसमें बिथोवन सर और मोजार्ट सर। और आपने ये कहाँ से सीखा है, किससे ट्रेनिंग ली है? इसके लिए वैसे तो शुरुआत का जो मतलब एकदम बेसिक जो होता है वो तो मैंने पापा ने मुझे बता दिया, लेकिन फिर भी मेरे 3 सर हैं। पहले जो सर हैं वो मेरे विवेक सर हैं, वो क्लासिकल म्यूज़िक लिए हैं, और दूसरे पे मेरे जोनाल सर हैं, वो स्टाफ नोटेशन के लिए हैं, और थर्ड सर मेरे जीमी व्यास जीतामी सर हैं, तो वो करेक्शन के लिए हैं कि इसमें ऐसे नहीं ऐसे बजाओ, और करेक्शन बता दे भी हैं कि किस तरह बजाना है। जी बेंजीर, हमें जो जानकारी मिली थी उसमें ये बात भी सामने आई थी कि आपने शुरुआत वहाँ से की थी जहाँ आप पियानो रिपेयर करवाने गए थे और वहाँ से आपकी शुरुआत हुई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? शुरुआत मतलब जैसे ही मतलब शुरुआत असल में हम लोग उधर कीबोर्ड ख़राब हो गया था तो उधर रिपेयर करवाने के लिए गए थे, तो पापा ने बोला कि थोड़ा सा बजा के दिखाओ, तो मैंने बजा के दिखाया तो वो रिपेयर करना तो साइड में हट गया, मतलब उनने वीडियो बनाई और एक SJMF फाउंडेशन, शंकर जैकी सन म्यूज़िकल फाउंडेशन, बहुत बड़ा फाउंडेशन है, तो फिर उधर साइड वीडियो भेज दी और फिर उधर से असली शुरुआत हुई, और उन लोगों ने फिर मतलब उधर के एक 7 ट्रस्टी हैं, उनमें से सॉरेन जर्मन वाला जो थे, तो फिर उनने पापा को रात के 11 बजे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा आपकी बेटी को हम मतलब ऐसा शंकर जैकी सन में ऐसा बजवाना चाहते हैं कीबोर्ड। जी बेंजीर, आपने बोला अभी कि पापा को फ़ोन आया था, 11 बजे रात को फ़ोन आया था, तो ये फ़ोन आने के बाद आपको जब पता चला आपने कैसा महसूस किया था तब? मतलब जब पापा ने इतना बताया कि मेरा ऐसे एक और भी सोए तो तब तो ठीक है, हमेशा की तरह अच्छा सोए ठीक है, लेकिन फिर जैसे ही पता चला कि शंकर जैकी सन फाउंडेशन, मतलब फिर तो एकदम हैरान हो गया कि हम तो पियानो रिपेयर करवाने गए थे और सो मिल गया उधर से। जी मतलब आप रिपेयरिंग का काम करवाने गए और लॉटरी लग गई आपके हाथ। बेंजीन, मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आप स्टेज शोज भी करते हो और परफॉर्मेंस भी देते हो, तो आप अपनी प्रिपरेशन कैसे करते हो पहले से? मुझे पहले से ही गाने दिए जाते हैं और मैं उनको प्रैक्टिस करता हूँ, फिर प्रैक्टिस करते करते हर रोज उनको फिर टुकड़ों में करता हूँ, क्योंकि अब एक साथ सब करेंगे तो फिर बोर्डम फील होगा, इसलिए फिर थोड़े थोड़े दिन ऐसे प्रैक्टिस करता हूँ और फिर जब शो होता है तो सब दिमाग में याद रहता है और तब मैं परफॉर्म कर लेता हूँ। जी बेंजीर, और बात की जाए तो मैं आपकी पसंद नापसंद भी जानना चाहूँगी, आपको ओल्ड सॉन्ग्स पसंद है या तो फिर न्यू सॉन्ग्स? मुझे ओल्ड और मीडियम ऐसे सॉन्ग पसंद है। और आपका मनपसंद गाना क्या है? मनपसंद वैसे अगर ओल्ड सॉन्ग में देखे जाए तो दोस्त दोस्त ना रहा, दिल के झरोखों में, शंकर जैकी सन के गाने मेरे फेवरेट हैं ओल्ड सॉन्ग में। आप कुछ पेश करना चाहोगी वो गाने पे? ठीक है, वैसे अभी जो मैंने बजाया था गाना दोस्त दोस्त ना रहा वो शंकर जैकी सन का ही था जी, तो वो मेरा फेवरेट। उसके अलावा और दिल के झरोखे पे भी है, लेकिन अब मैं एक और गाना बजाऊंगा। अभी थोड़ा सा नया गाना ले लेता हूँ, चलो जी। बेंजीर नया गाना बजाने वाली है। એટલે જો 10 વર્ષની છોકરી અને આટલી બધી કળા, હવે બેન્ઝીર નવું ગીત આપણી સામે પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહી છે, એટલે એ કંઈક થોડું જોઈ રહી છે, એટલે ત્યાં સુધી આપણે વાતચીત કરીએ કે જે પ્રમાણે 10 વર્ષની છોકરીમાં આટલી કળા છે, એટલે હવે એને સીધી જ સાંભળીશું આપણે કે આપણને એક નવું ગીત પ્રસ્તુત કરવા જઈ રહી છે. જી બેન્ઝીર,
बहुत खूब बेंजीर। बेंजीर, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आपने पहले भी मुझसे बात की कि 6 आवर्स आप प्रैक्टिस करते हो, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि प्रैक्टिस के टाइम कोई परेशानी आती है, इश्यूज आते हैं, उंगलियाँ दर्द करती है, ऐसा कुछ होता है आपके साथ? वैसे जब मैं शुरुआत में पियानो बजाता था उसकी कीज़ मतलब हार्ड होती हैं और कीबोर्ड की उससे हल्की होती हैं, तो तब शुरुआत में उंगलियों में बहुत दर्द होता था। कभी कभी तो पियानो के ऊपर ही सो जाता था प्रैक्टिस करते करते। तो पापा आते थे और फिर हाथ में मालिश कर देते थे, लेकिन अब आदत हो गई है तो फिर अब ऐसा नहीं होता है, इसलिए अब बीच बीच में ब्रेक भी पड़ता है कि एक साथ फिर उंगलियाँ बहुत थक जाएंगी। जी बेंजीर, मैं आपसे कंटिन्यूस बात कर रही हूँ, तो मुझे एक ये भी सवाल हो रहा है कि आप बात करते हो तो ऐसे बात करते हो, मैं करता हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, मैं ऐसे पियानो बजाता हूँ, तो आप ऐसे क्यों बात करते हो? क्योंकि पापा से भी मैं ऐसे ही बात करता हूँ, और जब मैं देखता हूँ कि पापा भी ऐसे बात करने के, ऐसा करने का है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इधर जाता हूँ, तो फिर मेरे मुंह से भी वही निकल जाता है कि ऐसा करता हूँ, और फिर मुझे भी ऐसे बात करना फिर पसंद है। बेंजीर, ये भी पूछना चाहूंगी कि आपका रूटीन क्या रहता है? पियानो तो आप बजाते ही हो, पर उसके अलावा आप क्या क्या करते हो दिन भर? उसके अलावा मैं स्पोर्ट्स भी लेता हूँ 1 घंटा, और अभी सफल डांस भी स्टार्ट किया है, और होमवर्क का भी टाइम अलग रहता है, खेलने कूदने का भी स्पोर्ट्स में ही आ जाता बेंजीर खेलती कूदती भी है। है। मैं आपको जब से देख रही हूँ आप ऐसे मतलब ऐसे सीरियस जोन में और ऐसे म्यूजिकल अंदाज में आप हो, तो मुझे ये भी जानना है कि बेंजीर खेलती कूदती भी है, और फैमिली में कौन कौन है और किसके साथ ज्यादा मस्ती होती है? वैसे मतलब खेलता हूँ, मतलब यानी कि बैडमिंटन खेलना ऐसा सब। जी, उसमें भी अच्छी लेवल की गेम्स खेलती है बेंजीर। आपके फैमिली में कौन कौन है और किससे अच्छी बनती है आपकी? मेरे फैमिली में मेरी दादी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, और मेरी एक छोटी बहन भी है। और बेंजीर, आप खाना क्या पसंद करते हो? क्योंकि जब भी म्यूजिकल इंडस्ट्रीज में लोग होते हैं तो वो खाने में बहुत ज़्यादा परहेज रखते हैं, तो आप क्या खाना पसंद करते हो और आपका रूटीन खाने के लिए क्या होता है? वैसे मुझे तो खाने में सिर्फ फल और सब्जियां ही कच्ची खाना पसंद है, और सब्जी रोटी है ये नहीं खाता। हाँ, मैं भी जब आपके बारे में रिसर्च कर रही थी और आपके बारे में जानने का प्रयास कर रही थी, तो मुझे भी यही जानकारी मिली थी कि आप सिर्फ काजू और फ्रूट्स ही खाते हो। मतलब इतना खा के कौन ऐसे कोई रह सकता है? आप कैसे मतलब प्रैक्टिस कर लेते हो फिर इतना इतना कम खा के, और फिर इतनी प्रैक्टिस करना और ऐसी स्ट्रेंथ वाला काम करना, कैसे करते हो आप? वो तो ऐसा नहीं है, मतलब शुरुआत में मैं ठीक है सब्जी रोटी मतलब ऐसा खाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके फिर मुझे फ्रूट्स और सलाद, वेजिटेबल्स ये खाना अच्छा लग गया, तो फिर मैंने खाने में भी अब यही खाता हूँ। बेंजीर, आप बिना नोटेशन सब कुछ सॉन्ग्स याद कर लेते हो और बजाते हो, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप कैसे नोटेशन बिना आप सॉन्ग्स याद करके बजा देती हो, और आप और क्या पेशकश करना चाहोगे वो भी आप दिखा देना। वैसे जब मैं मतलब प्रैक्टिस करने बैठता हूँ और कुछ मतलब नया ऐसे गाने मिलते हैं, तो शुरुआत में तो नोटिस नहीं दिए जाते हैं कि कौन सी उंगलियाँ हैं, कैसे बजाना है, फिर धीरे धीरे करके जब मैं बजा लेता हूँ ना, तो फिर नोटिस को साइड में कर देता हूँ, और फिर ये देखता हूँ कि मुझे कितना याद रहा नोटिस में से, फिर जितना याद रहता है उतना वापस से देखता हूँ, और फिर ऐसे ऐसे करते करते और प्रैक्टिस करते करते फिर पूरा याद हो जाता है। जी बेंजीर, म्यूजिकल इंडस्ट्रीज के जितने भी लोग हैं वो लता जी से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, क्या आपका ऐसा कोई भी मनपसंद गाना है उनका जो आप बजाती हो और आपको पसंद भी हो, ऐसा कुछ आप पेश करना चाहें? ठीक है, मैं लग जा गले बजाता हूँ। जी
बेंजीर, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि मंतव्य न्यूज के सारे जो व्यूअर्स है जो आपको देख रहे हैं वो भी हमें बता रहे हैं कि जितना हो सके उतना बेंजीर को बोलो कि वो म्यूजिक अपना बजाए। तो मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि मंतव्य न्यूज के जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या बजाना चाहोगे? उनके लिए ठीक है, कौन सा गाना आप पेश कर रहे हो? तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। ओके कहना चाहूंगी कि आपके पापा की सिफारिश आई हुई है, उन्होंने बोला है कि फाइनल काउंटडाउन आप बजाएं, वैसे सिफारिश आई है तो हम लोग वो भी सुनना चाहेंगे।
आप तो बजाते ही जा रहे हो, बजाते ही जा रहे हो और बहुत खूब बजा रहे हो। और मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगी कि आप थक तो नहीं गए हो ना? ये फास्ट गाने तो अब उंगलियां तो दुखेंगी। बेंजीर, मैं आपको एक और गाना बोलना चाहूंगी, पल पल दिल के पास, इसी स्टाइल में आपको बजाना है। Thank you.
बेनज़ीर, आप तो बजाते ही जा रहे हो और आपको आज मैं थका देने वाली हूँ, क्योंकि हर किसी की फरमाइश आ रही है। मेरे सर का भी एक फेवरेट गाना है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, आप वो बजाना चाहोगे? वैसे ही गाना मैंने सुना नहीं है इसलिए अभी मैं बजा अच्छा नहीं सकता अच्छा हूँ। और आपका और कोई फेवरेट गाना हो जो आप बजाना चाहते हो? ठीक है, थैंक यू।
बेंजीर, ये तो मेरा वाला भी फेवरेट गाना है ज़रा ज़रा। तो मैं ये भी बात करना चाहूँगी कि मैंने ये भी जानकारी प्राप्त की है कि आपके पापा को भी ऐसा शौक था ये पियानो बजाने का, और वो भी आपके साथ कभी कभी पियानो बजाते हैं। तो कोई ऐसी धुन है जो आप दोनों साथ में बजाते हो, या शुरुआत से आपने ये जब शुरुआत की तब आपने बजाना शुरू किया हो, ऐसी कोई धुन है? तब मतलब हमने ऐसे ही तो बहुत सारी धुने के, जब मैं बजाता हूँ पियानो पे बैठता हूँ तो पापा राइट हैंड का बजाते हैं कोई भी गाना, मुझे पता नहीं होता है कि कौन सा गाना है। वो जी गाना पापा ले लेते हैं, पापा राइट हैंड का बजाते हैं, मैं लेफ्ट का कॉर्ड देता हूँ, तो ऐसा बहुत वक्त हो जाता है। बेंजीर, ऐसा कुछ बजाना आप चाहोगी जो धुन आपको पसंद हो और आपके पापा को भी पसंद हो? मैं कभी कभी मेरे दिल में बजाऊंगा। जी
अलावा जो बात की जाए तो आपको गाने के अलावा भजन या ऐसे में कुछ इंटरेस्ट है आपको? वैसे कुछ एक कुछ गजल है जो मुझे पसंद है, जी तो उनमें से मैंने एक तैयार भी की है, वो जी मैं सुनाना जी चाहूँगा। मंजर बहुत खूब। आपको एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आप आगे बढ़ के क्या करना चाहते हो, आपका गोल क्या है? मैं आगे बन के पियानिस्ट तो बनना ही चाहता हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ म्यूजिक कंपोज सभी बनना चाहता हूँ। जी बेंजीर, आप बहुत आगे बढ़े ऐसी हम आशा रखते हैं, और आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। તો આ હતી બેન્ઝીર શાહ, જેની હાથોમાં એટલી કળા રહેલી છે, અને આપણે બધાએ જેના જે પણ ધૂન એના દ્વારા વગાડવામાં આવી છે, આપણે બધાએ જ સાંભળી છે. તો આ હતી અમારી વિશેષ રજૂઆત. બસ આવી જ રીતે વિશેષ રજૂઆત જોવા માટે જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. નમસ્કાર.